अब यार तुम ये नो स्कोप वाला हेडशॉट देखो, और सही में यार इस वाले हेडशॉट के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो आज बनता है। ये देखो तो भाई कुल मिलाकर आ चुके हैं एक ऑनर के साथ वापस। और गाइज आप लोगों को मैंने एक बात नहीं बताई कि रिसेंटली जो है अभी मैंने एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया है। अब जिसके चलते जो नई जगह पे जहाँ मैं आया हूँ भाई वहाँ इंटरनेट लग नहीं पाया है। तो अभी जो गेम प्ले है तो मैं क्या ही बताऊँ। फिलहाल सबसे पहले तुम ये स्प्रे देखो, मेरे को M762 मिली। सामने बंदा, अब जैसे मैंने इस बंदे को नॉक किया उसी दौरान किसी ने एक मेरे रैंडम टीममेट को नॉक कर दिया। मगर भाई साहब खुशखबरी की बात ये थी कि ये केवल डुओ था, इनको मारने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब मैं खेला था ये मैच रैंडम्स के साथ में, तो जहाँ मैं नई जगह शिफ्ट हुआ वह इंटरनेट है नहीं और रैंडम्स के साथ मैं ज़्यादा गेम प्ले डालता नहीं हूँ। फिलहाल यहाँ पर मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है भाई, सही में ये स्प्रे देख के तो मज़ा आ जाएगा। ये क्या ही हेड पे जो गोलियां कनेक्ट हुई, सीरियसली यार इस चीज़ के लिए है ना एक लाइक तो बनता है। तो रैंडम्स के साथ ये वाला गेम प्ले था, और रैंडम्स के साथ मैं अक्सर गेम प्ले नहीं डालता हूँ, मैं या तो सोलो वर्सेस स्क्वाड या डुओ वर्सेस स्क्वाड। पर भाई जब नेट नहीं चल रहा था, कोई गेम प्ले नहीं था, मैंने सोचा यार कुछ तो आप लोगों को दिखाना है, कुछ ना कुछ तो सिखाना है, इसीलिए भाई ये गेम प्ले डाला। अब ये गेम प्ले में खास बात क्या है वो तो अभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम भाई आप लोगों को मैंने एक बात नहीं बताई अभी तक कि मैंने जॉर्ज पूल में 4 बॉट मारे हैं। तुम खुद हिसाब लगा लो, 3 मेरे किल प्लेयर्स के हो गए और 7 किल हैं, तो मतलब 4 बॉट के किल। फिलहाल सामने वाले घर में एक बंदा था, मैंने सबसे पहले दोनों साइड्स को ब्लॉक कर दिया ताकि वो कुछ थ्रोएबल्स ना फेंक पाए। मगर हम जैसे सीढ़ियों के पास आए तभी पता चला कि ये भी भाई साहब मौली कर रहा है। मैंने गेंद की पिन खींची, ये फेंक दिया बंदा नॉक। अब नॉक करने के बाद समझ नहीं आ रहा कि घुसा जाए कि नहीं घुसा जाए। अगर केवल ये अकेला बंदा है तो इसको मारने हम जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई टीममेट हुआ तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए भाई साहब थोड़ी देर वेट किया, पता चला कि केवल अकेला है। अब इसको मारने के बाद हम कोचिंग की जा रहे थे, और हमारी अब तक की सबसे जो लंबी फाइट है, मतलब इस गेम की सबसे लंबी फाइट 2 यहीं पर चलती है। सबसे पहले हम यहाँ आए, जैसे जैसे क्लोज गए फायरिंग के साउंड बढ़ते गए। सबसे पहले इस घर में मेरे को लगा इधर से कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं। यार ये बंदा सही में बस 10 HP था। अब घर में घुसा, तभी नॉक किया, फिनिश कर दिया। अब सामने घर में कितने बंदे स्क्वाड हाउस में हमें कुछ नहीं पता। सबसे पहले मैंने फर्स्ट एड किट लगाई, अब सोच रहा था कि स्क्वाड हाउस पे रश कर दूं, तभी पीछे से आवाज आई। मगर भाई साहब ये एक बॉट था। अब फाइनली अब हम लोगों को स्क्वाड हाउस पे रश करना ही पड़ेगा, क्योंकि किल्स चाहिए तो आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। हम आगे चले, और जब मेरी किस्मत ख़राब होती है, देखो आपका तो मुझे पता नहीं कि आपकी जब किस्मत ख़राब होती है कि आपके साथ क्या क्या होता है, लेकिन हाँ मेरी किस्मत जब ख़राब होती है तो भाई साहब ग्रेनेड्स मुंह के सामने फटते हैं बस, लेकिन बंदे के पास नहीं जाते। ये पहला ग्रेनेड, अब इस कोड़ा से स्प्रे आया, मतलब कि बंदा अभी भी हो सकता वहीं प्रोन हो। मैंने ग्रेनेड फेंका, अब तुम ये देखो ये वाला ग्रेनेड भी शायद मेरे हिसाब से बंदा नहीं था वहां पर। और अब भाई साहब एक रश, और जैसे ही रश करा आवाज सुनो, बंदा बग्गी लेकर भाग गया, लेकिन इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे हम लोग। अब हमें पता था कि ये बग्गी लेकर कहाँ जाने वाला है, इसलिए जल्दी से हम लोगों ने डांसी उठाई और सीधा आगे। मगर कमाल की बात ये थी कि हमने सोचा था कि बंदा निकल गया होगा आगे, लेकिन तभी यही बंदा पीछे से आता है, शायद पोचिंग की मैं कहीं पर छपिया था। और ये रही इस बंदे की सबसे बड़ी गलती कि भाई साहब ने अपनी बग्गी अब रोक ली। हम तो सोच रहे थे कि निकल गया हाथ से, लेकिन नहीं, जैसे यहां पर आए बंदा, और भाई साहब ये बंदा मारा जाता है बीटी के हाथों। और विनोद बीटी का ही नाम है, और क्योंकि ये पुराना गेम प्ले तो उसने अभी अपना नाम चेंज कर लिया है। अब आते हैं इस गेम के सबसे इंटरेस्टिंग सीन पे। यहां पर क्या होता है, हम लोग डांसे लेके निकले, सामने से एक बग्गी आई, एक बंदा नॉक। अब इस पूरे सीन को सुनना तो मैं थोड़ा सा गुस्सा मेरे पे भी आएगा, थोड़ा सा बीटी पे आएगा, और बाकी देखो सब सिचुएशन की गलती है। फ्यूल खत्म हो चुका था गाड़ी का, अब जो एक बंदा बग्गी लेके आगे निकल गया,
हमने बोला कि भाई इस बंदे को तो मारना है। रैंडम टीममेट ये गाड़ी लेके आया, तो एक बंदा यहीं छूट गया और उस पर गिर गया ये रेड जोन, वो बंदा फूट गया। हम इधर आए, हमने देखा कि वो बंदा कहाँ पर है बग्गी वाला, तभी देखा कि बंदा आ गया। अब वो बार बार हेल्प कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ही देखो, इस बंदे को नॉक करके फिनिश कर दिया, मतलब हो जाएगा वो। अब इस रैंडम बंदे से बोला है, मतलब एक्सपीरियंस था मुझे कि हाँ हम बचा लेंगे, मेरी गलती ये कि हाँ चलो छोड़ना ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैं सही बता रहा हूँ, मैंने इसे बचा दिया था, तुम देखो। लेकिन बड़ी गलती कर दी बीटी ने, मैंने बीटी से पहले ही बोला कि गाड़ी को प्लीज़ साइड में रोकना, लेकिन भाई साहब ने गाड़ी इस पर चढ़ा दी। भाई मर गया वो बंदा, लेकिन टेंशन मत लो भाई से मैंने सॉरी बोला है, तो मान के बोला कोई बात नहीं भाई, होता रहता है। तो मतलब इस सिचुएशन में देखो गलती मेरी भी थी, बीटी की भी थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, सिचुएशन ही ऐसी थी। फिलहाल इसके बाद यहाँ पर एक ड्रॉप गिरता है। अब ड्रॉप पे देखो भाई साहब, दो बंदे बाइक लेके और एक बंदा वहीं पे, मतलब सही में क्या ही प्लानिंग चल रही थी। जैसे ही ड्रॉप के क्लोज में पहुँचे, अब इस टीम के दो बंदे नॉक। अब देखो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो बंदे होते हैं ना अक्सर पेड़ के पीछे प्रोन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको हल्के से आईक्यू की जरूरत है, और ऐसे टाइम पे जब कभी भी ऐसे बंदों पे रश करो, या मैं अब रश करने वाला हूं, तो क्यों मैं फर्स्ट एड किट और पूरा बूस्ट लगा रहा हूं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आपको स्पॉटिंग में हल्का सा टाइम लग जाता है, जब तक कि उसका स्प्रे की जो लाइट है अगर वो ना दिखाई दे तो आपको बंदा स्पॉट होता ही नहीं है। तो अगर आप कम एचपी में जाओगे तो पहली नॉक हो जाओगे, और अगर आपका स्प्रे वगैरह अच्छा है तो पहले स्पॉट करने में जो डैमेज लगेगा ना उसकी वजह से आप यहाँ पर थोड़ा सा बच सकते हो। मैंने ग्रैंड किया, और अब देखो अगर गौर से देखो ना तो हल्का सा वाइट कलर का जो इसका हेलमेट था ना वो दिख गया, और दैट्स वाई ये बंदा घास में मतलब क्या ही स्पॉट हुआ। तो इस सिचुएशन में मतलब सही बताऊँ तो अक्सर ऐसे ही क्या करो। फिलहाल हम लोग यहाँ आ गए हाई ग्राउंड पे, और हमें पता था कि यहाँ बंदे हो सकते हैं, तभी मेरे को ये सांप दिखाई दिया। अच्छा एक बात सही बताना कि 4X का स्प्रे आप लोगों को कैसा लगता है, आपको कैसा लगता है, और मेरा स्प्रे फिर कैसा लगता है आप लोगों को, क्योंकि मैं अक्सर 4X ही यूज़ करता हूँ। 6X मिल जाए तो 6X, वरना 3X मैं कम ही यूज़ करता हूँ। फिलहाल भाई अब देखो, हम लोग यहाँ पर आए थे तो हम पे ना एक हल्का सा फायर हुआ था, और ये बंदा यहाँ से फायर किया था इसने। जैसे क्लोज पहुँचे कोई फायर नहीं आया, मतलब कि बंदा यहाँ पर छुप चुका था। फिलहाल जैसे हम हल्का सा आगे चलते हैं ना तो एक और फायर आया था, वो थोड़ा आगे से आता है। Watch out. तभी ये बंदा स्पॉट हुआ। Marked a location. भाई साहब देखो, जो सामने वाला टीम है वो भी एक रैंडम टीममेट ही थे, और जो हमारे साथ है ये भी रैंडम। तो ये जो सामने वाली टीम था ना, उनमें से एक बंदा मिलना चाहता था, मतलब फ़ैन मीटअप वगैरह था, तो जो ये टीममेट था उसका ये फाइट लेना चाहता था। जैसे ही वो बंदा आया जो मिलने वाला, तो हमारे टीममेट ने उसे फायर किया। भाई साहब 1 HP बचा मरते मरते, लेकिन जो भी है मैंने उसे बताया कि भाई मैं रैंडम खेल रहा हूँ और इन लोगों को पता नहीं है अभी, पर जो भी है अब हमने इनसे बोला कि आगे जा रहे हैं और आगे जाके फाइट ही लेना। मगर भाई साहब ये बंदे मतलब बाद में यार उछल उछल के आने लगते हैं, तो हमने इनको दोबारा गाड़ी लेके समझाया कि हाँ भाई फाइट करना। तो इनमें से जो एक बंदा है शायद ये इसी टीम का है, लेकिन फैला हुआ था यहाँ पर। बस अब तुम यहाँ पर ये हेडशॉट देखना, और ये AWM के जब तुम हेडशॉट देखोगे सही में आज मज़ा आ जाएगा। मैं इस बंदे को हार्ड पिक करके देखा, कोई नहीं, तभी मेरे को इधर से कुछ आवाज़ आई, लेकिन भाई क्या ही नॉक करा इस बंदे को। लेकिन सबसे लास्ट का जो हेडशॉट दिखेगा ना आप लोगों को सही में मज़ा आ जाएगा, और तो मैं सही बता रहा हूँ उस मोमेंट के लिए ना एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। फिलहाल अब जोन में बचते हैं 6 बंदे, जिनमें से एक नॉक है, बाकी के दो जिनमें से कि एक प्ले जोन से मर चुका है। अब बचा केवल एक बंदा, और ये बंदा भी यहाँ पर मर चुका था। फिलहाल वो बंदा स्पॉट हुआ क्योंकि यहाँ पर इसने स्मोक किया। अब यार तुम ये नो स्कोप वाला हेडशॉट देखो,
और सही में यार इस वाले हेडशॉट के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो आज बनता है, ये देखो। एंड भाई मिल चुका है एक और डिलीशियस चिकन डिनर। मैं सही बता रहा हूँ लास्ट वाले हेडशॉट के लिए हैकर तो बोल ही सकते हो, मतलब क्या ही था, तुक्के में था लेकिन गजब का था। फिलहाल आज का गेम प्ले मुझे पता है थोड़ा सा नॉर्मल था, लेकिन हाँ कुछ गजब गजब के सीन्स थे। एक तो वो रैंडम के साथ जो हुआ, लेकिन कोई मतलब बंदा समझदार था तो मान गया। और दूसरी बात ये थी कि भाई ये स्नाइपर के हेडशॉट तो क्या ही गजब के थे। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक एंड शेयर जरूर करना, 1 मिलियन के लिए भाई सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 1 मिलियन के पे होने वाला है हैंड कैम प्लस फेस कैम। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना, ख्याल रखना अपना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।